पर भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी मौजूद है जो कि अपना मतदान करने आए थे, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो यहाँ पर अब बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, लेकिन अपनी जीत को किस तरह से देख रहे हैं? मैं जीत को किस तरह देख रहा हूँ, आप सब लोग देख रहे हैं कि जिस तरह के सुबह से 7 बजे से पहले ही मतदान केंद्रों पर बड़ी लंबी लंबी लाइन लगे, सब लोग मतदान करने से पहले मोदी मोदी जी के नारे लगा रहे थे, तो मुझे बहुत ये फख्र है, मुझे बहुत मैं गौरवान्वित हूँ कि हम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आम जनमानस के लिए काम किया है, आज उसी का नतीजा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के लिए काम किया है, राष्ट्र हित में जो काम किए, जो सनातन के लिए काम किए हैं, तो इसलिए उन्होंने आम जनता के लिए जो काम किए उसी के फलस्वरूप आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी की जो भी जितने भी प्रत्याशी वो चुनाव लड़कर संसद में पहुंचने वाले हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों की वजह से, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, तो इसलिए महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से माहौल है, भाजपा में माहौल है, तो मुझे लगता है कहीं कोई अब मतलब नहीं रहेगा। एक तरफा जीत है, ऐतिहासिक विजय होने जा रही है और विपक्ष की सबसे बड़ी हार होने जा रही है, ये मैं आपको। लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सवाल था जो कि पूरा चुनाव के दौरान रहा, बाहरी वर्सेस लोकल का, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनका ये कहना था कि आलोक मिश्रा यहाँ के हैं और आप बाहर के, ये आपने पहले भी सवाल पूछा, ये तो मुद्दा ही नहीं रहा, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए एक मुद्दा लिया। भाई ये बताइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप एक निवासी होने के लिए क्या क्या योग्यताएँ चाहिए? आप यहाँ के, आपका मकान हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका वोटर कार्ड हो, आपके बच्चे पढ़े पढ़ाए हों, तो मेरा बच्चा है जयपुरिया स्कूल में पढ़ा, मेरा आधार कार्ड यही है, वोटर मैं वोट यहीं डाल रहा हूँ, मेरा मकान यही है, आप कम से कम 15 साल लगातार मेरे कार्यक्रमों में आ रहे हैं, और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो भी आ रहे हैं मेरे कार्यक्रमों, और मैं उनके यहाँ भी जा रहा हूँ, तो कोई मुद्दा तो है नहीं। जब मैं यहाँ का, अगर आप 20 साल बद्रा से 20 साल जो रह रहा है कानपुर में, उसको भी यहाँ का निवासी नहीं मांगे, फिर तो आपका आधा कानपुर खाली हो जाएगा, तो आप सबको बाहरी घोषित कर देंगे। तो वो उनको चाहिए कि वो पहले माननीय राहुल गांधी से पूछे कि भाई पहले आपका मकान है, आप यहाँ रहने वाले हैं? नहीं है, पहले आपको अपनी मम्मी जी से भी उनको पूछना चाहिए था कि वो रायबरेली की रहने वाली थी नहीं थी, और अपने से भी पूछे कि वायनाड जा रहे हैं वहाँ क्या है उनका, तो हमारा तो सब कुछ यहाँ है, हमारा तो घर मकान वोटर कार्ड आधार कार्ड सब यहीं का, उनका क्या है पहले बताओ। और जो प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं वो इससे पहले कहाँ के रहने वाले थे? वो भी फतेहपुर के रहने वाले थे, उनका भी अगर इतिहास देखा जाए तो कहाँ के रहने, तो फिर अगर ऐसे सबकी जन्म कुंडली निकाल के आप करेंगे तो कानपुर में कोई रहने वाला नहीं, सब आधा ज़्यादा कानपुर खाली हो जाएगा। तो एक बकवास मुद्दा है, इसका कोई दम नहीं। आज आपने देख लिया होगा जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, जिस तरीके से लोग मोदी कर रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं, तो कोई मुद्दा नहीं रहेगा। अब उनके पास अगर कोई मुद्दा नहीं तो इसके का, अगर आपको मेरे बारे में कुछ जानकारी नहीं, जो भी लोग ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनकी अपनी जानकारी का अभाव नहीं, अगर वो मेरे बारे में जानकारी नहीं रखते तो उनका उनको ज्ञानवर्धन करना चाहिए, ये मेरा काम नहीं है। जो लोग नहीं जानते कि मैं यहाँ से इतने साल से रह रहा हूँ, मेरा आधार कार्ड है कि नहीं, मेरा वोटर कार्ड है कि नहीं, मेरे बच्चे यहाँ पढ़े हैं कि नहीं, तो फिर वो लोग इस चीज़ की भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं, ये उनका अपना सब्जेक्ट है, मेरा थोड़ा है, वो अपना सोचे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब जनता जो उन्होंने ये आरोप लगाए, सब जनता फेल कर चुकी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी से भारी मतदान कर रही है। तो आप थे रमेश अवस्थी जी जो कि लगातार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि बाहरी प्लस लोकल इसका कोई भी मुद्दा नहीं रह गया है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।